ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से हाइड्रोजन निकलता है, जो बायोमास से निकलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से निकलता है, जो वेस्ट से निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से निकलता है, और ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से निकलता है। और हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, ट्रैक्टर चलेगी, और मेरा सपना है कि $1 per kg हाइड्रोजन आना चाहिए। तो $1 यानी 80 रुपये पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपये में 450। हमारे देश में कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों प्रदूषण करें। ना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहां ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला खत्म हो गया। किसान इधर इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा, तो इकोनॉमी में किसान ही इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली मुंबई कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा आएगा। कौन से क्षेत्र में क्या करना चाहिए और उसके आधार पर भविष्य के देश की निर्मिति अगर होगी तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, पर विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है।